हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी नोएडा ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स के साथ मैंने टाउनशिप लेआउट परफॉर्म किया है। टाउनशिप का मतलब समझते हैं आप, अगर सोसाइटी में रह रहे हैं जिसको आप सोसाइटी बोलते हैं, सोसाइटी क्या होती है? वो प्रॉपर प्लांड की हुई जगह होती है जहाँ पे नाले जो होते हैं, जैसे बारिश के पानी होती है तो रोड पे गिरते के साथ ही वो नाले में चली जाती है और नाले से वो पानी जो होती है ड्रेन आउट हो जाती है। वो हमारे पुराने, जब हम पुराने कहीं जगहों पर रहते थे या फिर हम किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जो प्रॉपर प्लांड नहीं की गई थी, तो वहाँ पर आप देखते हो अगर सड़क है, बारिश हुई सड़क टूट जाती है, सड़क टूटी तो फिर खड्डे हो जाते हैं, खड्डे हो गए फिर उसमें पानी भरने लगता है, पानी भरने लगा फिर मच्छर भटकने लगते हैं, फिर मच्छर बढ़ने लगा फिर मलेरिया, पूरे मोहल्ले का मलेरिया हो जाता है। ऐसे बहुत सारी और समस्याएं, जैसे खड्डे बने हुए हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो आपको दिक्कतें आ रही है, कोई स्लिप करके गिर रहा है, तो मतलब प्रॉपर प्लांड वो मोहल्ले नहीं थे। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लांड करके मोहल्ले बनाते हो उसी को आप सोसाइटी जिसको बोलते हो या फिर उसको टाउनशिप बोल सकते हैं। आज हम आ गए हैं अपने इंजीनियर्स के साथ टाउनशिप लेआउट परफॉर्म करने के लिए और हमारे इंजीनियर्स का आज बिल्कुल पहला दिन है। उन्होंने अभी अभी यूनिट कन्वर्जन सीखा है, यूनिट कन्वर्जन के जस्ट बाद उनकी टाउनशिप लेआउट थी और आपको विश्वास नहीं होगा ये इनका पहला दिन है और इन्होंने पूरी की पूरी प्लॉट मार्किंग कर दी है। थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया अपन ने, ऑब्वियसली देना पड़ता है, उसके बाद से इन्होंने देख सकते हैं आप चार प्लॉट पहले से आधे घंटे के अंदर अंदर इन्होंने पूरी की पूरी प्लॉट की मार्किंग कर दी। आप देख सकते हैं हमारे इंजीनियर आजिम खान का हाथ, इन्होंने अभी अभी पूरी की पूरी चूने की मार्किंग करी है इन्होंने। तो देखिए, हाथ तो गंदे होंगे ही लेकिन दिमाग में नॉलेज भी जाएगा। सिविल गुरुजी से जुड़ने में यही घाटा और फायदा दोनों है, काम करना पड़ेगा लेकिन अगर काम आएगा आपको तो आपको पैसे भी मिलेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे अपने अपने इंजीनियर्स के साथ कि कैसे उन्होंने टाउनशिप लेआउट परफॉर्म किया है। बट बिफोर दैट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टाउनशिप लेआउट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले आपको जब भी काम करने को बोला, जब भी आपका कोई भी टाउनशिप की प्लानिंग चलती है तो सबसे पहले आपको ये दिखाना रहता है कि उन टाउनशिप में आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स मिलने वाले हैं, कहीं ब्लॉक होगा, कहीं स्कूल होगा, कहीं पार्क होने वाला है, कहीं हॉस्पिटल बनेगा, कहीं गुरुद्वारा मस्जिद वगैरह भी बनने वाला है। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें ऑन द ग्राउंड कहाँ होने वाली है, इन चीज़ों को प्लॉट करने के लिए हमें लेआउट करना पड़ेगा। तो उसी प्लॉटिंग के लिए आज हमारे इंजीनियर्स हमारे साथ आए थे। इंजीनियर कृष्ण, आज आपका सिविल गुरुजी में कौन सा दिन है? पहला दिन है सर। पहला दिन है जी। और आज आपने ये टाउनशिप लेआउट परफॉर्म किया? जी जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर, जब बताया पहली बार में समझ आ गया और हमने आध घंटे के अंदर ही सारा प्लान लेआउट कर दिया सर। तो प्लीज़ थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की टाउनशिप लेआउट की? टाउनशिप लेआउट के सबसे पहले हमने कोई दो कोऑर्डिनेट लिए, किसी को रेफरेंस मानकर, ये रोड है हमारे पास, हमने रोड को रेफरेंस मानकर दो कोऑर्डिनेट लिए। उन कोऑर्डिनेट से हमने 90 डिग्री पे एक और पॉइंट लिया जहाँ से हमें मार्क करना। उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। उसी के हिसाब से आगे हमने फिर दो पॉइंट लिए और ये हमने बार बार कंटिन्यू करते रहे, उन्हीं पॉइंट के हिसाब से हमने सारा पूरा टाउनशिप लेआउट परफॉर्म किया। देख रहे हैं आप लोग, हमारे इंजीनियर्स इतने आसानी से बता पा रहे हैं कि इन्होंने इस पूरे के पूरे टाउनशिप को कैसे प्लॉट किया है। अगर आपको भी इतनी आसानी से टाउनशिप लेआउट परफॉर्म करना है या फिर किसी भी तरह का लेआउट परफॉर्म करना है, कल ये सेंट्रल लाइन लेआउट परफॉर्म करेंगे, तो आपको भी लेआउट परफॉर्म करना है या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का स्किल सेट सीखना है, तो आपको सिंपली 9111001234 पे कॉल करना है और सिविल गुरुजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। मैं आपको आज कॉपी पेन की हेल्प से समझाने वाला हूँ कैसे किया गया था एक ब्लॉक का लेआउट। ठीक है, ब्लॉक का लेआउट कैसे किया गया था ये मैं आपको कॉपी पर समझाने वाला हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। तो मैंने ड्राइंग बना ली है कॉपी में, मैं आपको कॉपी में समझाने वाला हूँ कैसे किया गया है पूरा का पूरा टाउनशिप लेआउट। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस ड्राइंग में, मेरे पास एक प्लॉट है जो प्लॉट 6x9 का है। अब अगेन इसमें एक जानने वाली चीज़ ये है कि कभी भी इंजीनियर आपको प्लॉट का साइज बता रहा है, इसका मतलब वो जो 6x9 बता रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 वाला जो डायमेंशन है वो एक्स है और जो 9 का वाला डायमेंशन है वो वाई है, मतलब 6 ऐसे और 9 ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास 6x9 की प्लॉट है, मुझे इसको प्लॉट करना होता ग्राउंड पे तो मैं कैसे करता? देखिए, सबसे पहले मुझे सर्वे का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, सर्वे का जो सेकंड प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट का अगर आपको लोकेशन पता करना है तो आपको कम से कम दो नोन पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट्स ऐसे ले रहे हैं जिनका लोकेशन हमको पहले से पता है। इनका लोकेशन हमको पहले से कैसे पता है, ये दोनों पॉइंट हम सर्वेयर से लेने वाले हैं, जैसे सर्वेयर हमको एक पॉइंट दे के जाएगा जिनकी आपस में दूरी 6 मीटर रहने वाली है, तो हम इन दोनों पॉइंट की हेल्प से ये दोनों पॉइंट निकालने वाले हैं, सी और डी। ठीक है,
मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमको ए और बी पॉइंट का लोकेशन पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि इन दोनों पॉइंट्स के लोकेशन हमें सर्वेयर दे के जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ही जूम आउट करके यहाँ दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने इसी चीज़ को जूम आउट करके यहाँ निकाला हुआ है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको पहले से पता था जो कि है 6 मीटर, राइट। बी से सी की दूरी आपको पहले से पता है जो कि है 9 मीटर। तो हमको क्या करना होगा, ये डायगोनल निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि हमको यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री क्यों बनाना है? बी से सी का जो एंगल है हमारी ड्राइंग में वो 90 डिग्री है, तो हमको 90 डिग्री बनाना रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 6 और 9 हमको पहले से पता है, तो 90 डिग्री अगर यहाँ बन रहा है तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल कर सकते हैं ना। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कि अगर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वही आपका ए से सी की दूरी होगी। मतलब हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या, रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 10.81 मीटर। तो यही आपका 10.81 मीटर आया है। अब हम क्या कहने वाले हैं अपने इंजीनियर्स के साथ, हम क्या कहेंगे अपने इंजीनियर को कि भाई आप 10 और 9 10.81 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 19.81 मीटर का आप टेप निकालिए। ठीक है, एक बंद एक इंजीनियर जो होगा वो ए पॉइंट बैठ जाएगा, टेप का 0 वाला रीडिंग पकड़ के बैठ जाएगा, दूसरा बंदा 19.81 की रीडिंग लेके यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से तीसरे इंजीनियर को बोलेंगे कि आप पॉइंट सी पे आइए और टेप पे जहाँ 10.81 रीड कर रहा है वहाँ आप वहाँ पे कील लगा दीजिए। ठीक है, तो इंजीनियर क्या करेगा, सी पे 10.81 के डिस्टेंस पे ए से वो क्या करेगा, कील मार्क कर देगा। उसके बाद आप जो इंजीनियर्स ए और बी पॉइंट पे बैठे हैं ये इंजीनियर हिलेंगे नहीं, फिर हम क्या कहेंगे सी वाले बंदे को, जो इंजीनियर हमारे सी पे बैठा था, हम बोलेंगे कि आप उठ के डी पॉइंट पे आइए। वो डी पॉइंट पे आएगा तो हम बोलेंगे कि टेप पे जहाँ पे रीडिंग 9 मीटर आ रही है आप ए से 9 मीटर की जो टेप है वहाँ पे आप यहाँ पे एक नेल लगा दीजिए। तो एक्चुअली आपने डी और सी पे क्या कर दिया, नेल लगा दिया। अब हमको चेक करना है कि सी और डी के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका जो तरीका है काम करने का वो गलत हो गया। तो अगर आप चेक करोगे तो सी और डी का डिस्टेंस 6 मीटर ही आएगा, क्योंकि हमारे ये दोनों इंजीनियर्स कभी भी हिले ही नहीं थे। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली ए बी सी डी पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, पूरी की पूरी प्लॉट मार्किंग आप कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इंजीनियर्स, ये चीज़ें तो मैंने आपको समझाई, बट आपको अगर ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देखना है तो आपको साइट पे आना पड़ेगा, आपको सिविल गुरुजी ज्वाइन करना पड़ेगा। और सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली 9111001234 पे कॉल करना है और आप जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं और हमारे ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।